गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका आशीष मंसूरी और आज मैं आपको लेकर के आया हूँ दिल्ली के शांति स्तूप पर। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले भी मैंने यहाँ का एक ब्लॉग बनाया था, लेकिन आज यहाँ पर मुझे इनवाइट किया गया है। आज शांति स्तूप के बने हुए यहाँ पर 25 साल कम्प्लीट हो रहे हैं, तो इसी उपलक्ष्य पर यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम रखा गया है जहाँ पर जापान से काफ़ी सारे गेस्ट आए हुए हैं और जापान के जितने भी एम्बेसडर हैं दिल्ली में, इंडिया में, वो सब यहाँ पर मौजूद हैं और जापान से काफ़ी बड़े सीनियर मॉन्क नन यहाँ पर आए हुए हैं। तो मैं आज आपको पूरी सेरेमनी की एक कंप्लीट वीडियो बना करके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को अगर देखना चाहते हैं तो लास्ट तक इस वीडियो में ज़रूर बने रहें, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और कमेंट में जाके कमेंट भी करें।
गाइस, अभी मैं आ गया हूँ शांति स्तूप के ऊपर। और ये शांति स्तूप के हिस्ट्री के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। ये शांति स्तूप जो है वो फूजी गुरु जी ने सन 2007 में बनवाया था। और ऐसे अभी पूरे भारत के अंदर 7 शांति स्तूप बन चुके हैं, 8वां अभी बन रहा है। और इसका जो उद्घाटन किया था वो दलाई लामा जी ने किया था दिल्ली में 2007 में। और आज इसको पूरे 25 साल पूरे हो रहे हैं, तो उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया है। और ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये जापानी टेंपल है। अभी नेक्स्ट ईयर ये कंप्लीट होगा, अभी इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, काम चल रहा है। और इसकी भी नेक्स्ट ईयर ओपनिंग सेरेमनी होगी, उसका भी ब्लॉग मैं आपको सेंड करूँगा। ये स्तूप बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। दिल्ली जहाँ ये बहुत भीड़ भाड़ वाला शहर है, आप यहाँ पर आए और आप यहाँ पर आने के बाद जो ना एक अलग ही एनर्जी फील करेंगे। यहाँ पर आने के बाद एक आपको अंदर से एक अलग ही शांति फील होगा। एक बहुत इसको मतलब कि फीलिंग्स को है ना बताने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं क्या ही बोलूँ कि वो एक अलग ही एक्सपीरियंस, एक अनुभव है। जब आप खुद से इस प्लेस पर विजिट करेंगे तो आपको खुद से इस चीज़ का एहसास होगा। आपको पता होगा कि मैं यहाँ पर मेडिटेशन क्लासेस भी देता हूँ, क्योंकि मैं एक मेडिटेशन थेरेपिस्ट भी हूँ। तो अगर आपको मेडिटेशन सीखना हो या आपको इस प्लेस पर घूमने के लिए आना हो, तब भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं पॉसिबल हुआ तो आपको यहाँ पर अपने साथ लेकर आ सकता हूँ घुमाने के लिए। अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो मैं आपको यहाँ का एड्रेस सेंड कर सकता हूँ। आप यहाँ पर आए, विजिट करें और आपको एक यहाँ पर जो एक्सपीरियंस होने वाला है, दिल्ली जैसे भीड़ भाड़ वाले शहर के अंदर जो शांत एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे होने वाला है, कसम से उसको एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है कि दिल्ली ऐसे शहर के अंदर भी कुछ ऐसा मोन्यूमेंट एक है जहाँ पर आप आ करके ऐसी एक अनुभूति कर सकते हैं, जिसको बयां करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। आप खुद आएँ यहाँ पर उस चीज़ का एक्सपीरियंस करें और अपना अनुभव शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो गाइस, आज का ब्लॉग यहीं तक था और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय।